चलिए, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और मैं राजीव महिंद्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है स्टैटिक के जादू में। सभी लोगों को भाई कुंदन जी गुड इवनिंग, रस्तोगी जी, तृप्ति, सभी लोगों को भाई गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आज का सेशन बहुत खास होगा क्योंकि आज मंडे है और कुछ आज सेशन में कुछ मैंने मिक्सअप क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। क्योंकि तो सबसे पहला काम करना है क्या, एक बार सेशन को लाइक कर दो जल्दी से, और जहाँ जहाँ जिस मीडियम पे आप जुड़े हुए हो एक बार दबा के सेशन को क्या कर दो दोस्तों, शेयर कर दो। ओके, तो भाई जितने भी जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों को भाई गुड इवनिंग, अगेन गुड इवनिंग, अगेन गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। और यस, थोड़ा डिले हुआ, कभी कभी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है डिले हो जाता है, ठीक है। चलो, तो जी के स्टार्टिंग बूस्टर, दिमाग की बत्ती खुलेगी, तो मुझे बताओ जरा सभी लोग रेडी हैं दिमाग की बत्ती खोलने के लिए जल्दी से। आरोही साहा जी बेटा गुड इवनिंग, मनदीपा मंडल गुड इवनिंग, सभी लोगों को भाई गुड इवनिंग। शानदार स्टैटिक आज मजेदार सेशन होगा, पूरा सेशन देखना, 45 मिनट्स का पूरा सेशन है। और आज मैं वादा करता हूँ, मैं अक्सर बोलता हूँ वीक में 2 बार मुलाकात होती है, मंडे और थर्सडे को 7:30 पर। इतना दे के जाता हूं कि कम से कम ये जरूर आप कहोगे कुछ ना कुछ आज हमने सेशन से नया सीखा है। ओके, तो उम्मीद करता हूं सभी लोग रेडी हो गए। बेटा विपिन जी गुड इवनिंग बेटा, यस बेटा बिल्कुल। श्रुति गोयल जी, आज दोनों चीज, आज ट्रिक भी है, आज MCQ भी है, और आज पिटारा भी बहुत शानदार है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं जल्दी से। यस, आपके सामने देखो कुछ स्टैटिक के पार्ट दिखे हैं, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी जल्दी सभी लोग देखो जरा एक बार। तो दिख रहा होगा आपको कद लुंडी पक्षी अभ्यारण, बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं। उसके बाद मंगल वनम, बड़ा शानदार दोस्तों, मंगल वनम याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं तो पथिर मन मन, पथिर मान मल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो थाटेकड पक्षी अभ्यारण। उसके बाद जय कवरी बर्ड सेंचुरी, करनाला बर्ड सेंचुरी, मयानी बर्ड सेंचुरी, और नानू रामदेश्वर, नानू रामदेश्वर, नानू रामदेश्वर, और बहराई आसान चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, और साथ ही में भरतपुर। यानी कि सामने आपके बहुत सारे लिखे हुए हैं बेटा बर्ड सेंचुरी। मुझे जरा जल्दी से बताओ आप सभी लोग कि किसको कौन सा याद है, मुझे बताओ जरा जल्दी से किसको कौन सा बेटा याद है, मुझे बताओ जरा जल्दी से किसको बेटा कौन सा याद है। बहुत ही शानदार बेटा, ठीक है, मुझे बताओ बड़ा जल्दी से किसको कौन सा याद है, जरा देखो तो। कद लुंडी पक्षी अभ्यारण याद रखना स्टैटिक पार्ट में बेटा, जितना डीपली आजकल एग्जाम में पूछ रहा है ना उतना हम लोग को डीपली कवर करना होगा। और आज मैंने, आज ट्रिक भी है, आज MCQ भी है, और साथ में स्टैटिक का डायरेक्ट क्वेश्चन भी मैं आज लेके आया हूं, ठीक है। जिनको भी जो भी याद है मुझे बताओ जरा जल्दी से किनको कौन कौन सा याद है बेटा। चलो अब मैं हेल्प करता हूं, देखना बड़ा ध्यान से, बड़ा ही आसान तरीके से हेल्प होगा। ऊपर के जो भी दिख रहे हैं आप लोगों को, ऊपर का जो भी दिख रहा है वो सारे बेटा केरला है, वो सारा कहां पर है, केरला में, केरला में ही याद रखना। कद लुंडी भी है, मंगल वनन, मंगल भी कहां पर है भाई, केरला में मंगल है, याद रखना केरला में मंगल है, और केरला में ही याद रखना पथिर मनमल है, केरला में ही पथिर मनमल है, और केरला में ही याद रखना थाटे कट पक्षी अभ्यारण, यानी कि याद रखना ये सारे बेटा केरला में है। उसके बाद दूसरा अगर मैं बात करता हूं महाराष्ट्र की, समझना जरा ध्यान से, महाराष्ट्र में देखना बहुत इंपॉर्टेंट, करना बर्ड सेंचुरी, उसके बाद मयानी बर्ड सेंचुरी, उसके बाद नानू रामदेश्वर बर्ड सेंचुरी, उसके बाद चिल्का तो याद होगा बहुत बार एग्जाम में बेटा आया हुआ है, खासकर इस बार NTPC के एग्जाम में बेटे चिल्का लेक पूछा गया था। तो दिस इज कॉल बेटा, याद रखना दिस इज कॉल बेटा उड़ीसा, दिस इज कॉल बेटा उड़ीसा इज द राइट आंसर, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। और याद रखना जो भरतपुर, तो याद रखना बहुत बार एग्जाम में आया है, दिस इज कॉल बेटा राजस्थान, यानी कि राजस्थान में अगर मैं बोलूं तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी याद रखना आज हम लोग के 3 इंपॉर्टेंट स्टेट कवर हुए, केरला, महाराष्ट्र और उड़ीसा और राजस्थान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलता हूं, ये इस बार आया है 2020-21 के एग्जामिनेशन में, मुझे जल्दी से बताओ जरा, ये एकदम लेटेस्ट है बेटा जो अभी 2020-21 के एग्जाम में पूछा गया है। मुझे बताओ चिरंगुंडी, मुझे बताओ जरा जल्दी से कंजिर कुलम, कंजिर कुलम, और मुझे बताओ जरा जल्दी से कोटन कुलम और पुलिकित झील, यानी दिमाग की बत्ती तो खुलेगी ना भाई, दिमाग की बत्ती तो खुलनी है कि नहीं खुलनी है।
मैंने क्या बोला, दिमाग की बत्ती तो खुली जरूरी है ना बेटा, याद रखना। बस इसके बाद हम लोग मुलाकात करेंगे ट्रिक में। वेट वेट वेट, अभी बस बिल्कुल बेटा ट्रिक होगी, जल्दी से। वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार। ओहो वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार बेटा। वी आर मिश्रा जी बेटा, गुड इवनिंग सभी लोगों को भाई, गुड इवनिंग। तो याद रखना ये जो ट्रिक है, ये सारे बेटा तमिलनाडु में है। ये सारे कहां पर है दोस्त? तो तमिलनाडु में है। ये सारे कहां पर है? ये सारे तमिलनाडु में है। ये सारे कहां पर है दोस्त? तो ये सारे तमिलनाडु में है। यानी कि कंजीरकुलम भी, कोटनकुलम भी, पुलिकट झील, ये सारे कहां पर है दोस्त? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे चलते हैं। मणिपुर में याद रखना बड़ा फेमस दो नेशनल पार्क है। मणिपुर में दो नेशनल पार्क हैं जो बड़े फेमस हैं। दोनों के जरा नाम देखें जल्दी से। तो जरा देखिए सेट कैसे हम लोग को याद होगा। सिरोही को लामजाओ जाने के लिए, सिरोही को लामजाओ जाने के लिए मणि लगता है। समझना, ट्रेक स्टार्ट हो चुकी है। सिरोही को लामजाओ जाने के लिए मणि लगता है। तो जरा देखना, मणि से यहां पे बेटा हो गया मणिपुर। मणि से यहां पे बेटा क्या है? मणिपुर। यहां पर दो बहुत फेमस नेशनल पार्क हैं। एक बेटा है इसको नाम है केबुल, और एक बेटा इसका नाम है क्या? सिरोही। याद रखना, केबुल, केबुल और सिरोही दोनों कहां पर है बेटा? दोनों मणिपुर में है। याद रहेगा टू ऑल बेटा, वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बेटा प्रणव जी याद रखना, मैं वीक में सिर्फ दो ही बार आता हूं, वीक में मैं दो ही बार आता हूं, मंडे और थर्सडे को। जो लोग नए जुड़े मैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं स्टैटिक कवर कराने आता हूं दो बार वीक में। स्टैटिक के लिए याद रखना, मैं वीक में दो बार आता हूं, एक बेटा आता हूं मंडे को और एक बेटा आता हूं थर्सडे को, आता हूं 7:30 पर। बाकी डेली मैं आता हूं यूट्यूब पर मॉर्निंग 11:30 पर। याद रखिए, जो डेली मुलाकात करनी है तो कहां मुलाकात करोगे? मॉर्निंग 11:30 के शो में। ठीक है, एक बार जरा सभी लोग मेरा ध्यान से एक बार सेशन को लाइक कर दो, और जहां तक हो सके सेशन को पहुंचा है, बहुत मेहनत के सेशन आज हैं। अभी देखना सेशन में बहुत कुछ मैं लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। मेघालय, मेघालय में दो ही नेशनल पार्क हैं, एक बाल पखराम और एक बेटा याद रखना नौकरेक। एक हमारा बाल पखराम है और एक बेटा याद रखना नौकरेक है। बाल पखराम और नौकरेक। मिजोरम की बात करते हैं तो याद रखना यहां पर दो हैं, तीन बहुत फेमस हैं, दो ही हैं, तीन नहीं है। एक हमारा मुरलेन है, एक हमारा कहाँ है बेटा? मुरलेन है। और एक याद रखना, ये बहुत एग्जाम पे आता है, दिस इज कॉल्ड बेटा वीवीआई, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन कहाँ पर है भैया? मिजोरम में है। यानी मिजोरम में ब्लू माउंटेन है, मिजोरम में ब्लू माउंटेन है। क्या है भाई? मिजोरम में ब्लू माउंटेन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, मुझे जरा जल्दी से बताओ, आपके पास टाइम है मात्र ओनली 30 सेकेंड्स का। मुझे बताओ जरा जल्दी से, ईडन गार्डन, जवाहरलाल नेहरू, भूपेन हजारिका, सरदार पटेल, बरकतुल्ला एंड शहीद वीर नारायण सिंह, मुझे बताओ जल्दी से जरा कि ये सारे स्टेडियम कौन से सिटी में हैं? अगर वो याद है तो बता दो, या मुझे बता दो कौन से स्टेट में है। दोनों में से जो भी आपको याद है मुझे बताओ जरा जल्दी से कि कौन से स्टेट में या कौन से सिटी में ये जो सारे 6 नेशनल स्टेडियम मैंने आपको दिखाया, इसमें से कितना आपको याद है मुझे बताओ जरा जल्दी से। यस कुंदन जी वेलकम, ओके। खाजा हुसैन साहब से आ गए, केलजो रेमजो मणिपुर बेटा, याद रखना बिल्कुल। देखो मनदीपा ने कहा ईडन, ईडन गार्डन तो सबको याद है, जो याद नहीं है, जो याद नहीं है मुझे वो बताओ। मुझे पता है, मैंने तरीका सिखाया है लोगों को, जहां भी सरदार का नाम है, सरदार कहां पर है? सरदार हमेशा गुजरात में है। सरदार कहां पर है जी? सरदार गुजरात में है, याद रखना। तो एक तो हमारा खत्म हो गया, ये तो गुजरात में होगा, चलो ठीक है भाई। भूपेन हजारिका जो है बहुत फेमस थे यार, भूपेन हजारिका बहुत फेमस थे और ये आसाम के थे, तो सर ये भी खत्म हमारा हो गया। कौरबो लोरबो जीतबो बंगाली कहते हैं, तो भाई ये तो ईडन गार्डन बंगाल में ही होगा। तो यानी कि याद रखना ये बड़ा आसान है, कोलकाता, और ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत लोग मार देते हैं इसको दिल्ली, बट याद रखना ये कहां पर है? कोची केरला में है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इस सारे मैं आपको करा रहा हूँ, एक एक करके कराऊंगा सारा, ये सारे बेटा क्रिकेट के हैं, जो कि कहाँ पर है, केरला में। गुवाहाटी हजारिका है तो आसाम हो गई, हजारिका है बेटा तो आसाम हो गई, राम राम बेटा, ठीक है। और सरदार है तो क्या बोला मैंने, सरदार है तो भाई अहमदाबाद गुजराती होगा। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी स्टेडियम, ये बेटा भोपाल में हो गया। और याद रखना शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ पर है बेटा, तो ये रायपुर में है। ओके आगे चलता हूँ, आज का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट हो गया। ताबड़तोड़ बैटिंग करना सभी लोग, डरा था, फटाफट बताओ मुझे, बताओ जल्दी से बेटा। कुंदन जी जो याद नहीं होंगे मैं क्या करूंगा, मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको नेशनल पार्क याद कराए हैं, ठीक है, उसी प्रकार मैं करेंसी स्टैटिक का पार्ट भी याद करूँगा, लेकिन पहले मैं एक बार माइंड में डाल तो दूँ कि कौन सी चीज कहाँ पर है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। तो याद रखना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में शुरुआत की गई, जरा समझ लेना क्या है पहले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ यूं कि 2016 में सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, जरा समझना क्या था, कि मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कुछ ब्लैक मनी है, मेरे पास कुछ ब्लैक मनी है, ठीक है, तो सरकार ने कहा एक काम करो भाई, अगर आप पहले से डिक्लेयर कर दोगे कि सर हमारे पास ब्लैक मनी है, तो इसका जो 50% होगा आपको हम रिटर्न कर देंगे, यानी कि 2.5 लाख रुपए आपका हो गया, उसमें हम कुछ भी नहीं काटेंगे, जो बचा अगला 50% है ना, उस 50% का जो आधा यानी कि 25% आपको लगेगी सिर्फ पेनाल्टी, आपको लगेगी क्या, सिर्फ बेटा पेनाल्टी, और जो बाकी का 25% होगा वो भी आपको हम रिटर्न करेंगे, लेकिन वो रिटर्न करेंगे आपको हम 3 साल के बाद रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या था कि हमारे देश में जिनके पास ब्लैक मनी है, जिनके पास अनकाउंटेबल मनी है, उनको थोड़ा बाहर उजागर करना, दिस इज कॉल्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब जरा समझना इस बार कोविड-19 में ये इतना न्यूज में क्यों रहा, क्या रीजन था, तो जरा समझना 1.70 लाख करोड़ बेटा, आजकल डेटा बहुत पूछ रहा है, मैं पहले बता रहा हूं आजकल डेटा बेटा बहुत ज्यादा पूछ रहा है, 1.70 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया है इस पे ड्यूरिंग द कोविड-19 अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसलिए ये न्यूज बहुत ज्यादा रहा कोविड-19 में। द पर्सन इज ऑल्सो कंपेल्ड टू पे 25%, मतलब कहने का भैया देखो जो 75% आपको तो मिल जाएगा मोटा मोटी, और जो 25% हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया सरकार का टैक्स। तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कि 2016 में हमारे देश में स्टार्ट हो गई थी। ओके उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बेटा ये याद होगा। अगला गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण रोजगार, समझना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए जो वैसे वर्कर बिटा रहे जो कहीं और जॉब करते थे अभी आए हैं रिटर्न होके, उनके लिए सरकार कितना पैसा बेटा खर्च करने वाली थी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों के लिए कितनी राशि भारत सरकार द्वारा दी गई, 50,000 करोड़, 51,000 करोड़, 25,000 करोड़, 45,000 करोड़, या इनमें से बेटा कोई नहीं, बताओ मुझे जल्दी से आंसर क्या होगा। बहुत ही बेटा शानदार, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। चलो यानी याद रखना इसके लिए टोटल दिया गया है 50,000 करोड़ रुपया। ओके आगे चलते हैं, आयुष्मान भारत बहुत लगातार न्यूज में रहता है, आपको बताना है कि ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये क्या चीज से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, कोरोना से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, या इनमें से कोई नहीं, क्या चीज से रिलेटेड बट आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत योजना कौन चीज से रिलेटेड है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री
जीवन आरोग्य योजना, आपने सभी लोगों ने सुना होगा जन आरोग्य योजना का नाम। तो ये मेडिकल से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है याद रखना, 5 लाख रुपए आपकी फैमिली को दी जाएगी पर ईयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि यह चिकित्सा उपचार के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करेगा। और ये कब लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया 2018 में। और याद रखना ये लॉन्च कहाँ किया गया, ये किया गया बेटा रांची में। ये बेटा कहां पे किया गया, रांची में, ठीक है। नेक्स्ट वन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बड़ी ही प्यारी योजना है। आपको बताना है कि यह कौन से शहर में शुरू की गई थी। शानदार, वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार। कुमार जसराज जी ने सही बोला, प्रणव जी ने भी सही बोला, हरिओम शर्मा जी ने भी सही बोला, शैलजा जुनेजा ने भी सही बोला, राहुल कुमार जी ने भी सही बोला। वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आपको बताना है यह योजना कौन से शहर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटियां हैं तो सब कुछ है, और कहते हैं इस योजना का स्लोगन है राइट टू ग्रो। यस बेटा, वेरी नाइस गोलू जी, राइट टू ग्रो एंड राइट टू एजुकेट। याद रखना बेटा इस योजना का स्लोगन है राइट टू ग्रो एंड राइट टू एजुकेट। और याद रखना हरियाणा के पानीपत शहर में इस योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। जरा समझना, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स इसमें हैं। पहला, ये कब लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया बेटा 22 जनवरी को, ठीक है भाई, बिल्कुल याद है। इसका पर्पस क्या था, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, सर्वाइवल प्रोटेक्शन, और उन्हें एजुकेट करना, यानी कि राइट टू ग्रो। पता होगा आपको हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे कम सेक्स रेशियो है मेल फीमेल का, उस रेशियो को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में एक योजना की शुरुआत की। नाम क्या रखा है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। इस योजना के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना करोड़ रुपया सेंशन भी किया। और बता दूं आप सभी लोगों को, सबसे पहली जो एम्बेसडर थी उनका नाम था माधुरी दीक्षित, इस योजना की सबसे पहले बेटा एम्बेसडर थी, ठीक है, ओके। आप लोग अगर चाहोगे ना एक बार सेशन को शेयर कर दो जहां तक जितने लोग जानते, क्योंकि याद रखना मैं वीक में सिर्फ 2 बार आ पा रहा हूं, मंडे और थर्सडे को। तो आज लोगों को बता दो, अगर आप लोग चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, लोगों को बता दो यस बेटा स्टैटिक का शो स्टार्ट हो चुका है, जो डेली डेली नहीं होगा, लाइव का मजा ही कुछ और है दोस्तों, ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के लिए न्यूनतम क्या राशि है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के लिए न्यूनतम राशि क्या है, 1000, 1500, 1200, 500 या 250। याद रखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन बेटा ये है। इस योजना में कहा जाता है अगर मान लो आपके घर में कोई बच्ची है तो आप उसके नाम से, याद रखिएगा, किसी भी पोस्ट ऑफिस में बेटा, किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, ये पहला चीज। दूसरा, याद रखना आप इसमें न्यूनतम बेटा 250 रुपये और मैक्सिमम बेटा याद रखना 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो, जिस पे कोई भी आपको टैक्स नहीं देगा, टैक्स बेटा नहीं लगेगा, टैक्स बेटा याद रखना नहीं लगेगा, ठीक है। और इस अकाउंट में जो ब्याज मिलता है ना वो कितना मिलेगा, लगभग इस साल मिल रहा है 8.4%। दिस इज कॉल्ड सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, जो बेटा महिलाओं के लिए है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, बहुत ही शानदार, हर खेत को पानी, कहते हैं बड़ी फेमस स्कीम है हर खेत को पानी, जो स्लोगन है वो किससे रिलेटेड है, प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि योजना, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी योजना हर खेत को पानी से रिलेटेड है, याद रखना इंडिया में कहा गया कि किसी भी किसान को अगर खेती के लिए दिक्कत होगी पानी की समस्या तो समस्या होने नहीं देंगे, दैट इज कॉल हर खेत को पानी। ये जो स्लोगन है याद रखना, ये बेटा स्लोगन है प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना का एक पार्ट है। ये स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, हर खेत को पानी, ओके। जरा देख लेते हैं, यह योजना स्टार्ट की गई 2015 में, बिल्कुल ठीक है। इस योजना की अगर मैं बात बोलूं, इसके लिए सरकार ने करीब 3500 करोड़ रुपीस का सेंशन किया, बिल्कुल सही है, ये भी चीज हमें याद रहेगा। नेक्स्ट वन, याद रखिएगा टू ऑल मेंबर, जल शक्ति मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की,
एंड साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने सपोर्ट किया। दिस इज कॉल हर खेत को बेटा पानी। अगला, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बड़ी शानदार योजना है। इस योजना में कौन से उम्र के व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको लाभ होगा, मुझे बताओ जरा जल्दी। ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जिसमें, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, दो योजना है बेटा, एक मैंने पूछता होता है सुरक्षा बीमा योजना और एक है सुरक्षा ज्योति योजना। आपको बताना है सुरक्षा बीमा योजना में अगर हम एलिजिबल हैं तो कितनी उम्र तक हमें यह फायदा होगा, तो जरा समझते हैं। इसमें याद रखिएगा जो इसका प्रीमियम है दोस्त वो 12 रुपए का है, यानी हर साल 1 रुपए हर महीने, ठीक है। इसमें अगर मान लो किसी कारण से दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो सरकार आपको देगी 2,00,000 रुपए, और अगर किसी कारण से फिजिकल हैंडीकैप ही रह जाता है तो कितना देगी आपको, 1,00,000 रुपए। इसका जो समय सीमा होता है, याद रखना, हर साल वो स्टार्ट होता है 1 जून को और कब खत्म होता है, 31 मई को, यानी खत्म होता है। यानी कह सकते हैं कि पूरा साइकिल 1 साल का बेटा होता है, पूरा साइकिल 1 साल का होता है। और याद रखना, अगर 18-70 के बीच में हमारी उम्र है तो हमको इसका फायदा होगा, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। याद रखना बेटा, ये भी स्टार्ट की गई थी कब, 2015 में। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। यह आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मुझे देखना है किसका यह क्वेश्चन सही होता, अगर गलत हो गया, अगर इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा, अगर यह गलत हो गया तो थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़ा सा गिलास लेना है, उसमें समझ सकते हो हम क्या कह रहे हैं। इससे आसान क्वेश्चन बेटा नहीं होगा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, वेरी नाइस। इससे आसान क्वेश्चन होने का सवाल ही नहीं होगा, वेरी नाइस। वेरी नाइस, चलो तो याद रखिएगा टू ऑल मेंबर, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। चलो पहला, टू एस्टेब्लिश्ड अराउंड 1,00,000 हेल्थ सेंटर, बिल्कुल सही है भाई। दूसरा कहता है टू प्रोवाइड बेसिक इसेंशियल ड्रग एंड डायग्नोसिस सेंटर, बिल्कुल सही है भाई। और तीसरा कहता है ए सम ऑफ रुपीज 1,200 crore हैज बिन एलोकेटेड अंडर स्कीम, बिल्कुल सही है। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों ही ये सही है, ऑल आर आर ट्रू, बिल्कुल। बहुत लोगों का सही हुआ, जिनका गलत हो गया टेंशन मत लेना, धीरे 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 क्या होगा, हम धीरे धीरे क्या होगा बेटा, हम लोग शानदार करेंगे, बहुत ही शानदार बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। चलो आगे, विच एमोंग द फॉलोइंग, ध्यान से, विच एमोंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आपको बताना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ध्यान से। तो 15 में तो लॉन्च हुआ, बिल्कुल सही है। प्रीमियम कितना होता है, 12 रुपए, बिल्कुल सही है। और साथ में उम्र कितनी थी, 18-70 भी सही थी। यानी आंसर हमारा क्या हो गया, ऑल आर ट्रू इज द राइट आंसर। अगला, जल्दी से, स्टार्टअप इंडिया 12 सरकार की एक पहल है जो किस वर्ष में शुरू की गई। स्टार्टअप इंडिया मतलब इंडिया में बिजनेस को प्रमोट करना, ये जो इनिशिएटिव है ये कौन से वर्ष में स्टार्ट किया गया, मुझे बताओ जरा जल्दी से, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस बेटा प्रिंस, याद रखना, अगर जीवन ज्योति योजना का सहारा लोगे तो उसमें किसी कारण से अगर मान लो डेथ होती है तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। और अगर सुरक्षा बीमा योजना में क्या कहा जाता है कि अगर मान लो आपका बस दुर्घटना मृत्यु हुई तो आपको इसका फायदा होगा, ठीक है।
तो याद रखना, स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है वो स्टार्ट किया गया 16 जनवरी 2016 को। ओके, इसका पर्पस क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंटू ए कंट्री ऑफ जॉब्स क्रिएटर, मतलब यहां पे लोग जॉब देने वाले ज्यादा हो जाएं, ना कि लोग जॉब मांगे। साथ में 10,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। और याद रखना, स्टार्टिंग में इस योजना के लिए पूरे भारतवर्ष में करीब 5 लाख बच्चों को स्कूल को टारगेट किया गया, और साथ में याद रखना 10 लाख बच्चों को इसका फायदा हुआ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस योजना को चला रही है, स्टार्टअप इंडिया। दिस इज बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, नेक्स्ट वन, मुझे बताओ जरा जल्दी से, 2018 के हिसाब स्टार्टअप स्टेट रैंकिंग में कौन सा सा स्टेट है जिसने टॉप किया? जो टॉप परफॉर्मर है उसमें कर्नाटका भी है, केरला भी है, उड़ीसा भी है और राजस्थान भी है। उसके बाद कुछ एस्पायरेंस लीडर में नाम आते हैं, तो याद रखना उसमें बेटा हरियाणा भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, झारखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है एंड बेटा वेस्ट बंगाल भी है। ओके, तो याद रखना, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इसको जरा ध्यान से समझना। द 2018 स्टार्टअप स्टेट रैंकिंग की बात करते हैं तो गुजरात वेरी नाइस उसमें। उसके बाद टॉप परफॉर्मर में कौन है भाई, याद रखना तो कर्नाटका है, केरला है, उड़ीसा है एंड राजस्थान है। जो लीडर हैं, अगर मैं बोलूं लीडर की बात करते हैं, तो याद रखना उसमें आंध्र प्रदेश का नाम हुआ ना आया, बिहार का नाम हुआ आया, छत्तीसगढ़ का नाम आया, मध्य प्रदेश का नाम आया एंड तेलंगाना का नाम। अगर पूछता है कि बताओ इस रिपोर्ट में एस्पायरिंग लीडर में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने टॉप किया, तो हम क्या कहेंगे? हरियाणा ने टॉप किया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद बेटा झारखंड हो गया एंड सो मैनी मोर। ठीक है, तो दीज आर द रिपोर्ट। अगर बात करता हूं इमर्जिंग स्टेट में, तो याद रखिएगा आसाम भी है, दिल्ली भी है, गोवा भी है और जम्मू भी है। अगर बात करता हूं बिगनर में, तो चंडीगढ़ भी है, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, नागालैंड भी है एंड पुडुचेरी में। यानी दीज आर द रिपोर्ट, ये ऐसी है जिसमें बताया गया है स्टार्टअप स्टेट रैंकिंग में किस स्टेट की क्या पोजीशन होती है। ठीक है, वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार। अगला शेर दहाड़ा है, बताओ मुझे जल्दी से, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब लॉन्च किया था? बहुत ही शानदार, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सरकार ने कब लॉन्च किया था? वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो याद रखना, स्टार्ट हुआ था बेटा 25 सितंबर 2014 को, ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। ठीक है, मेक इन इंडिया का देखा जरा स्लोगन देखिए, काशी पहुंचेगी वंदे मातरम एक्सप्रेस, यानी कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब को हमें स्ट्रॉन्ग करना था। दिस इज कॉल्ड बेटा स्टार्टअप इंडिया। ओके, मेक इन इंडिया, सॉरी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से, इज आर ट्रू रिगार्डिंग स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना, ये सारे सही हैं। नहीं, इट वॉज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। इसका पर्पस क्या था? पूरे इंडिया में करीब 100 मिलियन टॉयलेट को बनाया जाए इन रूरल एरिया एज वेल एज अर्बन एरिया दोनों में। बट याद रखना, तीसरा कहता है इट इज नॉट अप्लीकेबल इन अर्बन एरिया, मतलब भाई तीसरा गलत होगा साहब। तो यानी आंसर हमारा क्या होगा? 1 और 2 इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान? उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? बड़ा हो शानदार, मुझे बताओ जरा जल्दी से, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है बेटा? उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम क्या है? सबकत मिजोरव, सिप टेप अर्डोगन, देवलत बहकेली,
गुर बंगुली बर्दी मुहामुंड, बड़ा यूनिक नेम है यार, याद रखना इसका जो नाम है, उनका नाम है सवकित जी, सवकित जी याद रखना, इसके भाई प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। आगे, ऐसा कौन सा विच बर्ड इज फेमसली फाउंड इन TSO कार बसिन, गोल्डन ईगल, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या पेंगुइन। टोसो कर बेसिन में कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है, सुनहरा बाज, काली गर्दन वाली क्रेन, महान भारतीय बस्टर्ड या पेंगुइन। आंसर बेटा क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर होगा ब्लैक बर्ग, ब्लैक नेक्ड क्रेन। अगला, इंडिया बायलेटरल रिलेशन विथ वियतनाम, याद रखना बेटा बहुत ही शानदार है, इसको VVI कर लो, इसको बेटा VVI कर लो, इंडियाज बायलेटरल रिलेशन विथ वियतनाम कम अंडर विच पॉलिसी इनिशिएटिव, वियतनाम के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध किस नीति की पहल अंतर्गत आते हैं, एक्ट ईस्ट, थिंक वेस्ट पॉलिसी, विन ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी या इंडो पैसिफिक ईस्ट पॉलिसी। आपको बताना है कि जो हमने वियतनाम के साथ समझौता किया है वह कौन सी पॉलिसी में आता है। तो याद रखना बेटा ये जो आता है वो आता है, याद रखेगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूरब की ओर देखो और उनके साथ रिलेशन मेंटेन करो, दिस इज कॉल्ड बेटा ईस्ट पॉलिसी, विन ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। इंडिया एंड वियतनाम हैव ए ग्रेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, दिस कम्स अंडर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी विच एम्स टू प्रमोट कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाई विथ कंट्री ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। गॉट इट सभी लोगों को? आगे चलता हूं, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हु इज द फाउंडर ऑफ नेटफ्लिक्स, आपको बताना है कि जो नेटफ्लिक्स है उसके फाउंडर कौन है, मार्क जैकॉब, गूगल, रीड हैस्टिंग या टेड सारनोडोस। हु इज द फाउंडर ऑफ नेटफ्लिक्स, बहुत न्यूज में रहा नेटफ्लिक्स के फाउंडर कौन है, तो याद रखना इसके जो फाउंडर है उनका नाम है रीड हैस्टिंग इज द फाउंडर ऑफ टेक एंड एंटरटेनमेंट गिगेंट, जिसको कहते हैं नेटफ्लिक्स के ये फाउंडर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। और याद रखना अमेजॉन में सीईओ कौन है, जिनका नाम है टेड सनंडोज, टेड सनंडोज अमेजॉन में क्या है, सीईओ है बेटा। अगला, कलारी पयटू क्या है, जो कलारी पयटू है आपको बताना है वो क्या है बेटा। भैया मिश्रा ने कहा बेटा एक साथ दो क्लास होगी इसलिए आज बहुत बच्चे क्लास कंफ्यूज कर गए हैं, एक्चुअली कोई सुने बेटा, बिल्कुल कोई सुने ही, कहीं भी हम लोग क्लास कर लेंगे, ठीक है। वेरी नाइस, चलो तो याद रखना ये क्या है, यह एक गेम है, द गेम ओरिजिनेटेड इन केरला यूजिंग वेपन, ये गेम है एक केरला का, इसमें क्या होता है जरा समझिए, जो कलारी पयटू एक गेम है दैट ओरिजिनेटेड इन केरला, इट इन्वॉल्व फीचर्स लाइक जंपिंग, रनिंग एंड समरसॉल्ट, वेपन लाइक स्वॉर्ड्स, डैगर, स्पेयर्स, यानी बेसिकली केरला का एक गेम है। अगला, भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में देश के बड़े राज्यों के समूह के बीच सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, विद स्टेट ऑफ इंडिया रैंक टॉप इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स अमॉन्ग बिग स्टेट्स ग्रुप इन द कंट्री इन द ईयर 2019। भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा सूचकांक में हासिल किया, मुझे बताओ जरा जल्दी से। तो याद रखना आंसर हमारा हो गया तमिलनाडु, यानी कि गुड गवर्नेंस में तमिलनाडु इस रिपोर्ट के अनुसार 1 नंबर पर है। और याद रखना अगर बात करते हैं 2020 की, अगर बात करते हैं 2020 की, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका बेटा आंसर होगा कर्नाटका,
ठीक है। अगला, व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम? आकाश मिसाइल सिस्टम की स्ट्राइक रेंज क्या है? अभी पता होगा न्यूज में बहुत ज्यादा रहा आकाश मिसाइल, ये बहुत बार आ सकता है एग्जाम में, तो याद रखना सिंपल से इसकी जो रेंज है ना वो बेटा रेंज है 25 किलोमीटर। और हां याद रखना इस आकाश मिसाइल को, ये पूरी तरीके से भारत में बना स्वदेशी है, इसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत गवर्नमेंट ने दे दी, यानी कि हम इस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट की आजादी मिल चुकी है। इसकी रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर, पूरी तरीके से स्वदेशी में निर्मित है बेटा, ठीक है। अगला आपको बताना है कि जो हैदराबाद है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर? बड़ा बहुत बार आया, जैसे नहीं कहते हैं वाराणसी बहुत फेमस है, वो गंगा के किनारे फेमस है ना। आपको बताना है जो हैदराबाद है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद होगा ये बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बेटा एग्जाम में आया हुआ है, दिस इज कॉल्ड बेटा मूसी, ओके। अगला, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने, जहां पर नौसेना विमानन संग्रहालय स्थित है, यानी कि नेवल एविएशन म्यूजियम भारत के कौन से बेटा शहर में है? यस, नेवल एविएशन म्यूजियम बेटा कौन से शहर में है? तो याद रखना बेटा ये गोवा में है। कहां पर है? यह गोवा में है। यह तो शायद बहुत आसान है यार, ये तो बहुत आसान है, एकदम इजी है ये। धनवंतरी अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? बड़ा ही आसान है, धनवंतरी अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? एग्रीकल्चर, आयुर्वेद, मैजिक, हिंदी लिटरेचर। मुझे देखना है कि यह क्वेश्चन बेटा कितने लोगों का गलत होता है। बेटा बहुत शानदार, प्रकाश जी, प्रंसु, प्रकाश, यति, शुभम, कुंदन सिंह, प्रतिभा ने कहा, सभी लोगों ने आंसर दिया डी डी डी। बेटा नो नो नो, गॉड करो, ध्यान से देखो। कुमार जसराज ने कहा बी। याद रखना या तो ऑप्शन में देगा बेटा आयुर्वेद, और या तो कहीं कहीं लिख देता है एग्जाम में, याद रखना या तो लिख देगा बेटा मेडिकल। याद रखना यह बेटा स्वास्थ्य संबंधित अवार्ड है, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड है, यानी कि आयुर्वेद से रिलेटेड है। अगला, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, वो हो माय गॉड, चोला टेम्पल वर्ल्ड यूनेस्को साइट, ये कहां पर है? इंडिया में जो चोला टेम्पल है, आपको बताना है महान जीवित चोला मंदिर एक विश्व यूनेस्को साइट है, आपको बताना ये कहां पर बेटा स्थित है? यह तमिलनाडु में है, यह मध्य प्रदेश में है, यह तेलंगाना में है, यह महाराष्ट्र में, कहां पर है बेटा ये मुझे बताओ जरा जल्दी से। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, ये बेटा कहां पर है? तो याद रखना बेटा जो चोला मंदिर है दोस्त वह तमिलनाडु में है, कहां पर है? तमिलनाडु में। अगला, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? भारत के किस राज्य में सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? छत्तीसगढ़, आसाम, गुजरात या आंध्र प्रदेश? छत्तीसगढ़, आसाम, गुजरात या बेटा आंध्र प्रदेश, कहां पर है सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन? बताओ मुझे जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर, और मुझे बताना लास्ट में कितने लोगों का क्वेश्चन आज गलत हुआ। मुझे बताना आप लोग कि आपको सेशन आज क्या लगा, आज इजी था, आज मॉडरेट था, या आज बहुत टफ था? आपको बताना है इजी, मॉडरेट और टफ, आपको बताना है रिमार्क देके कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, इजी, मॉडरेट और टफ। इसका जो आंसर होगा ना वो याद रखना, आंसर हमारा होगा छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। कहां पर है सिपेट सुपर? याद रखना छत्तीसगढ़ में, यानी याद रखना कोरबा, ये भी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। अगला, बाटा कॉरपोरेशन फेमस ब्रांड शूज का, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? उम्मीद नहीं होगा आपने मुझ में आपसे ये पूछूंगा,
बेटा प्रकाश जी, अप्रेंटिस के पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, ये मैं वादा करता हूं। सिर्फ 25 नंबर का पूछेगा, वो भी करंट पूछेगा, टेंशन नहीं लेने, बड़ा आसान होगा। बस कुछ नहीं, आप पिछले 6 महीने को डेटा को बस रिवाइज कर लो, दिस इज मोर देन इनफ टू ऑल द मेंबर। देखो बहुत लोगों ने कहा मॉडरेट है, बहुत लोगों ने कहा टफ है, अब आंसर भी दे दो जल्दी से कि बाटा का शोरूम कहां पर है, बाटा का शोरूम कहां पर है। अच्छा मुझे बताओ जरा, मजा आ जाएगा रियली, मुझे देखो किसको किसको याद है, मुझे बताओ जरा जल्दी से, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुझे बताओ जरा जल्दी से, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुझे बताओ जरा जल्दी से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुझे बताओ जरा जल्दी से, बीआईएस का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुझे बताओ जरा जल्दी से चारों का। इन चारों में से दो का आंसर तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, इन चारों में से दो का जो ऑप्शन आपको इस ऑप्शन में ही मिल जाएगा, याद रखना, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में, आईएमएफ वॉशिंगटन डीसी में, आईएसएस याद रखना गुरुग्राम हरियाणा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में है, और लास्ट वाला बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट वो कहां पर है, बेसल स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यस। तो आज अगर आपको टफ लगा, अगर आज का सेशन आपको टफ लगा तो करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो दोस्तों, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूं, बहुत लोगों को डेली मुलाकात नहीं हो पा रही है, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड। मंडे को और साथ में थर्सडे को सभी लोगों को बता दीजिए कि राजीव सर मुलाकात करते हैं 7:30। देखो आप ही हमारी टीम हो, ठीक है। और डेली अगर आपको क्लास करना है करंट अफेयर्स के, जैसे मैं कल टुमारो करवा रहा हूं, आज मैंने मॉर्निंग में करवाया है 11:30 पे, याद रखना, जनवरी का पार्ट वन रिवीजन, और कल मैं करवाने वाला हूं जनवरी का पार्ट टू रिवीजन, जरूर मुलाकात करिए 11:30 पे। मैं डेली आता हूं यूट्यूब पे महेंद्रा के चैनल पे, ठीक है। और साथ में कुछ भी डाउट है, इवन इस क्लास की जो पीडीएफ भी होगी मैं यहीं पर अपलोड करता हूं, @RajivMahendraGA को आप ऐड कर लो, कुछ भी डाउट हो जीए में, कुछ भी डाउट हो स्टैटिक में, आप बस यहां डालो, गारंटी है विद इन 24 आवर्स में आपको आंसर मैं दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें, लोगों को बताएं, और जैसा भी आपका फीडबैक है कि सर ये मेरा वीक है, ये मेरा स्ट्रांग, जो भी आपका वीकनेस है, आप इसी वीडियो के नीचे डालें मुझे कमेंट बॉक्स में, ओके। और याद रखना, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें, कम से कम लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, हमेशा एंजॉय करिए लाइफ में, कभी टेंशन